भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। भारत का युवा नई ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के छात्रों के साथ लगातार संवाद करते हैं। वो छात्रों से देश की उपलब्धियों, प्रगति, समसामयिक मुद्दों और संस्कृति को लेकर बातचीत करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 6 अक्टूबर को राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में मोदी विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय की छात्राओं को संबोधित किया। संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी, जो देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब सत्ता की बागडोर महिलाओं के हाथ में होती है, तब देश और तेजी से तरक्की करता है। 1/3 मेंबर्स इन लोकसभा, 1/3 मेंबर्स इन ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स विल बी वीमेन। और ये रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इस 1/3 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन भी है। कहने का अर्थ, नथिंग कुड बी मोर शाइनिंग एंड इक्विटेबल। भारत के प्रधानमंत्री ने जो अब तक असफल प्रयास होते रहे, दशकों से होते रहे, मुझे जानकारी इसलिए है कि मैं 1989 में सांसद बना था, केंद्र में तब मंत्री भी था। मुझे पता है कब कब प्रयास हुए, कब कब असफल हुए। पर नर प्लस इंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करिश्मा कर दिखाया। इट इज एन इपोकल डेवलपमेंट, इट इज हिस्टोरिक डेवलपमेंट। एंड आई कैन टेल यू गर्ल्स, इट इज गेम चेंजर। क्योंकि नारी शक्ति के हाथ में जब कमान होती है तो बहुत कुछ हासिल होता है। छात्राओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत उन्नति की ओर अग्रसर है, जिसे विश्व प्रमाणित कर चुका है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति 5000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। G20 के सफल आयोजन के दौरान दुनिया के सभी नेता भारतीय संस्कृति से परिचित हुए। The Indian culture is unrivaled, unparalleled। कौन सा देश है जो 5000 से ज्यादा सिविलाइजेशन और इथोस की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। और G20 का नजारा देखिए, देश का कोई प्रांत नहीं छूटा है, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं छूटी है। 200 बैठकें राजस्थान में भी हुई, जयपुर उदयपुर में भी हुई, देश के हर प्रांत में हुई, 58 लोकेशंस पर। जो आए वहां पर वो कभी नहीं भूलने वाली यादें लेकर गए कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये हो पाएगा। दूसरा, आप ऐसे कालखंड में रह रहे हो जब भारत उन्नति की ओर है और ये उन्नति विश्व में प्रमाणित है। द वर्ल्ड इज स्टंड। 23 अगस्त 2023 इसरो ने व्हीकल को चांद के उस हिस्से पर सफलतापूर्वक उतार दिया जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। और उसमें भी आपका वंदन हुआ, शिव शक्ति पॉइंट दिखाया गया, चंद्रयान 3 वहां लैंड हुआ।
राजस्थान यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों से सितंबर में संवाद किया था। यहां उन्होंने कहा कि संसद लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं करना चाहिए। There can be no greater force in a democracy than the student power, than the youth power. A Bharat will be at 2047 when it celebrates centenary of its independence. I may not be around. Some of us may not be, others will be. But you are the foot soldiers. You will have to take Bharat at peak pinnacle on your shoulders. And that you can do only by subscribing to our democratic values, our civilizational ethos, our work culture. We must learn to place interest of the nation ahead of anything else. This is not optional. This is not compulsive. This is the only way. As citizens of Bharat, we have no option but to always think of our motherland. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से भारत विरोधी नैरेटिव का मुकाबला करने का आग्रह किया। उन्होंने रचनात्मक बहस और अलग अलग दृष्टिकोणों का सम्मान करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने 27 सितंबर को बिट्स प्लानी के छात्रों और कर्मचारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने अनुसंधान और विकास के महत्व पर बात की। उन्होंने छात्रों को नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराष्ट्रपति ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावशाली तंत्र बताया। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जवाबदेही और नागरिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। योर थिंकिंग माइंड्स, योर डिसनिंग माइंड्स, आपका थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। यदि अगर पार्लियामेंट में गतिविधि ठीक नहीं चल रही है, पार्लियामेंट अ प्लेस फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, और उस जगह यदि अगर डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन होता है, आपके यहां घंटी बजनी चाहिए कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव सही काम क्यों नहीं कर रहा है। यू आर दी अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स इन डेमोक्रेसी। आपसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नेंस का कोई नहीं है। आई वुड देयरफॉर अपील टू यू कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, एक काम कीजिए, डोंट बी इन साइलेंस मोड, अपने विचार को व्यक्त कीजिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन में भारत की उपलब्धियों की वैश्विक स्तर पर आज प्रशंसा हो रही है। फ्रेजाइल फाइव मींस दे वर अ बर्डन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। सूद हो गए तो टूट जाएंगे, इस प्रकार की हालत थी। कहां फ्रेजाइल फाइव, कहां बिग फाइव? वी आर नाउ बिग फाइव। यह जर्नी क्यों हुई? यू कैन इमेजिन माई प्राइड बॉयज एंड गर्ल्स। द वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बंगा जी G20 के अंदर कहते हैं कि भारत ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है 6 साल में, वो 47 साल में भी संभव नहीं था। 47 years। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं, और क्यों नहीं कहें? दुनिया का जो ट्रांजैक्शनल है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल, जमाना था कहते थे 10 पैसा ही गांव पहुंचता है। आज के दिन न बिचौलिया है, न ब्रोकर है, न कटमनी है,
पैसा सीधा जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी कोटा यात्रा के दौरान शहर के विभिन्न संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। चर्चा के दौरान संसद में व्यवधानों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संवाद और विचार विमर्श का मंच होना चाहिए, न कि अवरोध का। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर विरोध की जगह सार्थक चर्चा पर जोर दिया। I want young minds, and every one of you is a nerve center, epicenter. You can make a demand. How can your representative not engage in discussion and debate? Why? नतीजा बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए, और आप लोगों को भी कहूंगा, Don't reject other point of view. You hear it, understand it. It is not necessary that you accept it. पर एक मुद्दा आया, वन नेशन वन इलेक्शन, कह रहे हम चर्चा ही नहीं करेंगे। अरे भाई, चर्चा करना आपका काम है, एग्री करना न करना आपका विवेक है। डेमोक्रेसी में चर्चा नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कहां है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक सेंस रिक्वायर डिस्कशन डिलिब्रेशन। वो नहीं करेंगे तो आपका करियर कैसे सुधरेगा? वी ऑल हैव टू वर्क इन अ मैनर कि आप लोगों का भविष्य और उज्जवल हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों से कहा कि वे कभी भी तनाव ना लें और ना ही असफलता से भयभीत हो। उन्होंने छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी से प्रभावित होकर या दबाव में आकर जीवन के निर्णय नहीं करने चाहिए। बार बार बात करते हैं ना, हेवंस विल फॉल डाउन, दे हैव हिस्टोरिकली नेवर फॉलन ऑन द प्लेनेट, एंड मैं आपको श्योर कर सकता हूं दे विल नॉट फॉल आल्सो। इसलिए नेवर थिंक इट इज एंड ऑफ द रोड, नेवर थिंक इट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, नेवर हैव द फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर इज द वर्स्ट काइंड ऑफ अ डिजीज, ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। आप लोग समझिए, फेलियर मीन्स यू हैव द करेज ऑफ कन्विक्शन टू ट्राई। आप उससे तो मजबूत हैं जो इतना डर गया कि कोशिश भी नहीं कर रहा है। आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। इट इज रिक्वायर्ड ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन जीनियस टू हैव एन आइडिया, इनोवेट अबाउट दैट आइडिया एंड एग्जीक्यूट इट, फॉरगेट अबाउट द फेलियर। दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कारी काम कभी प्रथम प्रयास में नहीं हुआ है, It has been after terrible failures. उपराष्ट्रपति ने जयपुर में महारानी महाविद्यालय की छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। छात्राओं से संवाद के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने निर्णय स्वयं लें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उन्होंने बताया कि राज्यसभा में चेयरमैन की जगह जेंडर न्यूट्रल शब्द चेयरपर्सन शब्द को बढ़ावा दिया है। राज्यसभा के उपसभापति पैनल में 50% महिलाओं की नियुक्ति की गई है और उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। अब राज्यसभा में जब हम किसी पुरुष या महिला को पैनल के अंदर लेते हैं जो मेरे वाली कुर्सी पर बैठकर हाउस का संचालन करते हैं, उनको हम चेयरमैन नहीं कहते। वी डोंट से पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, हम कहते हैं पैनल ऑफ
वाइस चेयरपर्सन, गर्ल्स यू विल बी डिलाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव गिवन 50% प्लेसमेंट टू वीमन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन प्रिजाइडिंग and I can tell you their performance has been amazing. P.T. Usha 1985 ke andar ya 86 mein Padma Shri mili thi, they was kursi par baith kar sanchalan karti hain, maine charon taraf vai vai suni hai. Nagaland se pehli mahila Rajya Sabha mein aayi Koina, amazing performance. Odisha se Sulata Dev, सामने जो बैठते हैं टेबल के ऊपर, आप राज्यसभा लोकसभा को देखते हैं, चेयरमैन स्पीकर फिर सेक्रेटरी जनरल फिर एक टेबल है, उस टेबल ऑफिस को मैंने अधिकांश दिनों में 100% मैंड बाई योर जेंडर कर दिया है. ओनली गर्ल्स एंड वीमन इन राज्यसभा आर इंक्रीजिंगली मैनेजिंग टेबल. उपराष्ट्रपति ने महिलाओं से आह्वान किया कि वो आगे बढ़कर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें. उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को लेकर समाज का दृष्टिकोण बदल रहा है, विश्व महिलाओं के योगदान के बिना प्रगति नहीं कर सकता. बेटियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और उसको आप कभी नजरअंदाज मत करना. यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट for growth of this nation. You are 50% of it. आपके अधिकार मिलने में कोई ज्यादा देरी नहीं है. जब वो होगा तो भारत विल बी नंबर वन इन द वर्ल्ड, और वो हालात बनते जा रहे हैं. वी मस्ट बी प्राउड इंडियंस. हमारे लिए भारतीयता सर्वोपरि है, नॉन कंप्रोमाइजिंग है, कोई ऑप्शन नहीं है. वी हैव टू कीप आवर नेशनल इंटरेस्ट हेड ऑफ एनीथिंग एल्स. वी मस्ट टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स. उपराष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का भी दौरा किया है, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हासिल की है. इस मौके पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अभूतपूर्व प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है. आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार है कि आपके पास सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, आपको वित्त और मार्गदर्शन की कमी नहीं रहेगी. मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, मैं उसका विक्टिम रहा हूं. मुझे हमेशा लगता था मैं क्लास में नंबर वन नहीं आऊंगा तो क्या होगा, इस डर के साथ जिया हूं मैं. ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रोमाटाइज्ड, वॉट विल हैपन इफ आई डोंट कम एट नंबर वन इन द क्लास. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम because of fever on a particular day for a particular paper I missed the paper, still I was topper. मैं इस डर के साथ जिया. बहुत देर बाद पता लगा जनरल साहब कि इस डर की वजह से बहुत कुछ खो दिया. तो never be crazy about competitiveness. number वन नहीं आकर number टू थ्री आता तो कितना अच्छा होता, कुछ खेलने का मौका मिलता, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती, बहुत कुछ हो जाता. तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है दैट यू आर नेवर अंडर टेंशन, नेवर अंडर स्ट्रेस. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने आइडिया को हकीकत में उतारने की हर संभव कोशिश करें. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, आज भारत पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. उन्होंने छात्रों से आह्वान करते हुए कहा कि वो 2047 के सिपाही हैं. देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है.
देयर इज जीरो अकोमोडेशन फॉर करप्शन. पावर कॉरिडोर हैव बीन सैनिटाइज्ड ऑफ दोज हु एक्स्ट्रा लीगली लीवरेज्ड गवर्नमेंटल डिसीजंस. ये बड़ा चेंज आया है, और ये चेंज किसी सरकार का या व्यवस्था का अकेला योगदान नहीं है, हर भारतीय का योगदान है इसके अंदर. इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट. जब इतनी बड़ी ग्रोथ होती है बॉयज एंड गर्ल्स, तो चुनौतियां आती हैं. फिजिक्स तो पढ़ते हो ना, न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? बस, तो दुनिया में भी रिएक्शन हो रहा है, कुछ पेट के अंदर भी हो रहा है, कि आखिर भारत की इतनी महानतम उपलब्धियों को हम पचा कैसे पाएंगे. कुछ होता है ऐसे मौके पर. आई अपील टू द यूथ टू बी वेरी डिसर्निंग, बी जजमेंटल, कंसिडर एवरीथिंग एंड टेक अ स्टांस. क्योंकि यदि अगर मैं सैनी स्कूल चित्तौड़गढ़ में, जहां मेरा नॉन बायोलॉजिकल बर्थ हुआ है, वहां पर मेरी चिंता व्यक्त नहीं करूंगा, तो कहीं नहीं कर पाऊंगा. उन्होंने युवाओं से कहा कि वो हर प्रयास करें जिससे भारत आजादी की शताब्दी मनाते समय विश्व में शिखर पर पहुंचे. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि किसी को भी राष्ट्र और हमारी संस्थाओं की छवि धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हर हालत में हमें देश को सर्वोपरि रखना होगा.